हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे और हम भी अभी बहुत अच्छे हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल कोशी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तुझे मतलब शर्म आ रही है इतने दिन में तू व्लॉग पे इस पे आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आप अकेले अकेले क्या ठूस रहे हो? फ्रूट है एक्चुअली, मुझे खाना चाहिए। और ये मतलब कहीं पे लिखा है कि फ्रूट सिर्फ महिलाओं को ही खानी चाहिए या लेडीज को खानी चाहिए? अभी मुझे खानी चाहिए या फीमेल को ही खानी चाहिए? तो अभी आज बहुत टाइम बाद में व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको इंस्पायर किया आज कि भाई तुझे बहुत दिन हो गए। और ना लोग हमारे जितने भी प्यारे चाहने वाले सब्सक्राइबर है वो हमारा बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। और मैंने बोला इसको, लेकिन मैं मानता हूँ इसकी तबीयत खराब थी और इससे व्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। और मैं भी बिल्कुल अभी जस्ट पिछले 10-12 दिन से बिल्कुल ही बाहर था, घर पे बहुत कम था, तो ऐसा कोऑर्डिनेट हो नहीं रहा था कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ या बना दूँ। तो इसने सोचा कि चलो ठीक है, बाद में ही बना लूँगी, अभी इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है। तबीयत ठीक हुई है और कुछ स्पेशल है, कुछ क्या है? क्या आप लोग गैस करो क्या है? क्या एक्चुअली कुछ बहुत स्पेशल है जो हमें अभी अनाउंस भी करना है। हाँ जी बिल्कुल। तो वैसे तो दो दो गुड न्यूज है, पर आज हम आपको एक ही गुड न्यूज देंगे और जो दूसरी न्यूज होगी वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ जी। तो जो हमारी गुड न्यूज है, हम ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाएंगे, है ना? सस्पेंस क्या? सस्पेंस क्या बनाना है, डायरेक्ट ही बोल देते हैं। तो जो गुड न्यूज है वो आप बताओ। जो रीजन था जिसकी वजह से ये ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी, तो उसकी तबीयत खराब थी, उसका रीजन ये था कि गाइस बहुत लोगों ने सही गेस किया था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा गैस किया था, अच्छी बात है वो। तो गाइज मैं दोबारा पापा बनने वाला हूँ और ये दोबारा मम्मी बनने वाली है। तो हमारे घर पे अंकल आंटी जो भी है, बुआ बुआ कोई नहीं, मौसी बुआ कोई नहीं होगी, मौसी सभी। तो हमारे घर पे एक मेल ने भी या फीमेल ने भी वर्जन 2.0 आने वाला है। तो आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए ऐसा तो डिसाइड नहीं कर सकते यार, भगवान से मतलब जो भी है तो प्रकृति की गिफ्ट है। चाहे बोले मुझे क्या चाहिए कि नेवी, अभी नेवी है तो नेवी को एक पार्टनर बहन चाहिए बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। तो नेवी को अभी एक बहन की जरूरत है, तो मैं चाहूँगा कि गुड़िया हो और जो भी भगवान का, लेकिन जो भी हो अच्छे से हो, स्वस्थ हो, ये भी ठीक रहे और आने वाला बेबी भी ठीक है। बाबा भोला से मैं यही दुआ करूंगा। तो इट डजंट मैटर कि लड़का है लड़की है, डजंट मैटर। मैं मतलब नेवी के टाइम पे भी मैंने कभी नहीं सोचा था, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन ममता को पता है और ममता को मैंने हमेशा एक ही चीज बोल लिया है कि अच्छे से बस कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस तू स्वस्थ रहियो और आने वाला बेबी स्वस्थ रहे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अभी जो हो वो मेरे जैसा हो, क्योंकि नेवी 100% इसके जैसा है। तो भाई बुढ़ापे में कम से कम एक तो ऐसा हो जो मेरी तरफ वोट डाले, मेरा मेरी सपोर्ट करे। तब अगर मैं उसको 100 दिन खिला लूंगा, गाड़ी में घुमा लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन भाई अगर मैंने इसको ना ऐसे भी कर दूंगा ना तो मेरे मारने लग जाएगा वो। वो इसको इतना मानता है, मुझे मेरी वो नहीं कहता। सकल सूरत भी जैसी आप लोगों ने देखा होगा नेवी को, सकल सूरत भी जैसी। तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरा कम से कम एक स्पोर्ट वाला कुछ आए। तो स्पोर्ट वाला चाहिए आपको, अपनी शक्ल जैसा चाहिए भी, सकल जैसा भी, और मेरी सपोर्ट करे जो मेरे जैसा हो, जो मतलब अपने पापा को माने। नेवी सिर्फ मम्मी को मानता, मुझे नहीं मानता, उसकी हड्डियां तोड़ूंगा मैं भी। नेवी के टाइम पे है ना ये ज्यादा बीमार नहीं हुई, अभी ज्यादा बीमार हो रही है, पता नहीं क्यों, वीकनेस है। और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कितना रूप मेरा निकल गया है ऐसे। वीकनेस तो इसलिए है, मैं बता देता हूँ, वीकनेस इसलिए क्योंकि अकेले अकेले जो खा रहे, अकेले अकेले नहीं खा रहा, ये कट कट घर पे है ना, फ्रूट्स खराब ही जाते हैं, मतलब फेंकने पड़ते हैं नेक्स्ट डे। ये है ना, तो मैं ये आज मेल लोग नहीं जानते हैं, ये जो फीमेल लोग होती है ना उनको पता होता है, जो उनकी अंदरूनी इच्छा होती है ना वही चीजें भाती है, ऐसे जबरदस्ती नहीं ठूसा जाता। ये एक सबसे बड़ी चीज देखी है, जो भी महिलाएं प्रेगनेंट होगी बस उस टाइम पे उसका पास, उसके पास बहाना है बढ़िया चटपटी चीज खाने का। बहाना नहीं होता, वो इच्छाएं होती है, मांगते हैं। इच्छा कौन मांगता है? वो जो
पल रहा होता है ना वो मॉन्स्टर है। इच्छा होती है सीरियसली भाई, मुझे तो नहीं पता लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि अभी पिछले है ना डॉक्टर ने, मैं बता भी रहा था एक व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में, कि डॉक्टर ने साफ मना किया था कि भाई इसको बाहर की चीजें, स्पाइसी चीजें, तली हुई चीजें ये बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि इसके इन्फेक्शन हो रखे थे। लेकिन भाई ये मान ही नहीं रही है। अब यहाँ पे पड़ोस में एक पिज्जा बर्गर की शॉप है, जो पहले तो मैं ऑर्डर करता था तो मैंने मना कर दिया कि मैं ऑर्डर नहीं करूंगा। अभी मैं दाएं बाएं होता हूँ तो मम्मी से बोल के ऑर्डर करवा लेती है, उसके नंबर हो गए, बस वो आ जाता है, उसको कैश दे देते हैं। अभी जो मैं फ्रूट खा रहा हूँ, ये फ्रूट इसके लिए कट किए थे। अब मैं मतलब चलो ठीक है, फ्रूट में अच्छा नहीं लगता तो मैं क्रीम व्रीम भी ले आया था मार्केट से कि इसमें फ्रूट्स में क्रीम वगैरह डाल दूंगा तो इसको थोड़ा सा टेस्ट, वही तो कह रहा हूँ टेस्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं लग रही है, नहीं खा रही है। अभी ये बोल दूंगा वही क्रीम पिज्जा में डल के आ जाएगी ना, उसमें पास्ता में डल के आ जाएगी ना, खा लेगी। प्रेगनेंसी का जो स्पेशल मूवमेंट होते हैं वो उसमें आते हैं और आपको उस इच्छाओं की कदर करनी चाहिए, समझे आप। और अभी आप मेरे को देख सकते हैं कितनी मैं सुंदर हूँ। कदर बर्गर जी, पिज्जा जी, पास्ता जी, जी जी जी, और कदर कैसे करूँ बता। मैं फुली ट्राई करूंगी कि मैं दोबारा व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँ क्योंकि हिम्मत तो मेरी है नहीं। गर्मी इतनी ज्यादा टूट टूट के पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सारी गर्मी मेरे अंदर समाई हुई है। देखो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्टीमेट, ये आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से डिलीवरी का टाइम कब का है? मेरी थर्ड एनिवर्सरी जो आने वाली है वही डेट मुझे मिली है। इत्तेफाक देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, कितना बड़ा इत्तेफाक है। 28 नवंबर को हमारी शादी की सालगिरह है, वो भी थर्ड तीसरी, और 28 नवंबर को ही डॉक्टर ने डेट दी है डिलीवरी की, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सही है यार, मेरा तो खर्चा बच जाऊगा, एक एक में काम हो जाऊगा। नेक्स्ट साल जब बेबी का बर्थडे होगा उसी पे एनिवर्सरी का केक भी बनवा लूंगा, साइड में एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे बेटा। टाइम बताएगा तो अभी तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही। आप बेड पे आराम करो, मैं आटा लगा लेता हूँ, ठीक है। ये जो वीडियो में जो बोल रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, देखो मेरी बात सुनो, डॉक्टर भी कहते हैं कि बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है, खुद भी नहीं करती और ये अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं करती हूं। नहीं बिल्कुल भी, ये सारा ये देखो ऑनेस्टली एक चीज बोल रहा हूं भाई, मैं खुद ही नहीं करती हूं कि मैं इसकी लाइव में इस चीज की रिस्पेक्ट और प्लस में इसकी तारीफ कर रहा हूं इस चीज की कि इसकी तबीयत भी खराब रही है लेकिन फिर भी है ना एक घर का सारा काम करती है। और एक होता ना कि मुझे बेड रेस्ट करना है, मुझे वो करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आराम से रेस्ट करती है तो ये अच्छी बात है और करना चाहिए। हाँ अगर तकलीफ ज्यादा है तो रेस्ट करो, बाकी मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती पड़े रहो, ये हमारे मतलब बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी और जो प्रेगनेंट लेडी है उसके लिए भी मतलब अच्छा होता है। तो जितना हो सके अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम भी मैं बहुत एक्टिव थी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और अब की बार देखो अब की बार मैं एक्टिव हूँ ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम याद है प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग दिल्ली में थे, मैं जॉब करता था उस टाइम पे, मैं भी करती थी और ये भी जॉब करती थी, तो मुझे याद है मतलब ये मेरे ऑफिस के बाहर रुकती थी बस से, तो मैं इसको वहां से अपनी बाइक से लेके जाता था और मेरे ऑफिस के जस्ट बाहर नारियल पानी वाला था, डेली इसको नारियल पानी पिलाता था। तो इसमें क्या यार, ये मोमेंट्स है, ये याद बता रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं है। तुझे याद भाई, और भगवान कसम लास्ट टाइम जब नेवी पेट में था उस टाइम पे पहले वाला लॉकडाउन लगा था खतरनाक वाला, जिस टाइम पे बिल्कुल कोई बाहर नहीं निकल सकता, डेंजरस। तो उस टाइम पे हम घर पे थे और वो बात है अप्रैल की और नेवी हुआ था सितंबर में, अप्रैल। तो इसको खाने का मन कर रहा भाई कुछ ना कुछ स्पाइसी वगैरह, तो अब बाहर तो सब शॉप वगैरह बंद थी, तो मैंने नेट पे देख देख के इसको हनी चिली पटेटो खिलाया, इसके इसको इतना पसंद आया, वो इडली वगैरह खाई है, इडली वगैरह सब इन्होंने मेरा बहुत हेल्प करी है उस टाइम पे, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। इस टाइम पे चटनी वगैरह हिल भी नहीं रहे हैं, इस टाइम पे आप हिल भी नहीं रहे हो। मैं अभी भी, मैं कल आया हूँ गुड़गांव से और गुड़गांव से जो सब्जी मंडी है खानसा रोड पे भाई, वहां से गाड़ी लगा के गाड़ी में फ्रूट्स की भर के लेके आया हूँ, और नहीं लेके आया तो तू बोल दे मैं दिखा भी सकता हूँ। ढेर सारे तो नारियल ना। ढेर सारे नारियल, सारे बर्गर लेके आते, चिक्कू, सेब, बनाना। अच्छा फिर ये था
की है ना फ्रूट्स खाती नहीं है, तो मैं वो क्रीम भी लेके आया था कि चलो ठीक है भाई इसमें क्रीम व्रीम ऐड करके खा लेंगे। नहीं अभी मैं जबरदस्ती कुछ खाना स्टार्ट करूंगी। हाँ खाया खाना चाहिए ना, अच्छी चीज है। पता है क्या होती है, अगर बर्गर चाउमीन ये सब चीजें खाएगी तो बच्चे पे भी बैड इफेक्ट होते हैं, पता है इस चीज का। नहीं इस टाइम पे कुछ भी, अगर कोई इस टाइम पे अगर आप ईट भी खाओगे ना आपको नहीं सही, ईट पत्थर हाँ। तो तू ईट खाना उस पे मेयोनीज डाल के भाई जो अगर कोई भी डॉक्टर प्रेगनेंसी में कुछ, अगर कोई डॉक्टर होगा जो देख रहा है इस व्लॉग को तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये बर्गर और ये कुछ ये सब स्पाइसी चीजें खाती है डेली यूज में तो उस पे बैड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। नहीं होता, बच्चे का जो मन करता है वो खाना चाहिए। बच्चे का नहीं कर रहा ना, बच्चे की मम्मी का। नहीं बच्चे का कर रहा है, झूठी है भगवान, ये दुनिया झूठी है। वो हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए और मेरे और लिए इसके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत खुशी, मतलब एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, एक मतलब पहला एक्सपीरियंस है इसके लिए भी मेरे लिए भी। वो हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उसमें आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए 101%, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं होगा। तो अभी वो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मम्मी से मिलवा दे इनको, कई दिन हो गए। हाँ। मम्मी कितना मम्मी बहुत खुश है, मम्मी सच में बहुत खुश है। मम्मी मेरी इतनी केयर कर रही है, इतनी केयर कर रही है बहुत ज्यादा। और पापा जी भी और मैं, आप लोगों को नहीं लग रहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं सच में बहुत केयर कर रही है। तो मैं अभी मम्मी के पास आ गई हूँ नीचे। मम्मी हमने अनाउंसमेंट करी है कि भाई हम दोबारा मम्मी पापा बनने वाले हैं और आप दोबारा दादी बनने वाले हो। आप दोबारा गीत छठी बार दादी बनने वाले हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जितनी बार दादी बना उतनी बार खुशी, दादी को मत होनी चाहिए। अरे भी बताओ आपने किसा लाग रहा है? मन भाई तू नहीं बता, दादी बनूंगी घर में छोटो बालक आओगो मीठा तूंगा नमकीन आतूंगा सर डालगा तू, मैं तो खुशी खुशी सर। तो आपने के चाहिए, पोता चाहिए पोती चाहिए, जुड़सी चीज आ जाएगी वह बहुत बढ़िया। तो फिर भी ज्यादा तमन्ना किसकी है? भी मेरे पोती भी से हाँ। और पोता भी से और जो भगवान की इच्छा सवा चीज दे देगो। सही बात, नॉट से मी तर बेटा था कदे गोंदा पद माँ धरती माता मी तो गोंदा पे की शरारत जारी है। ये नेवी नमस्ते कर दे, नमस्ते कर दे, माथा लगाओ, जय हो, जय हो, राम राम जी भी कर दो, राम राम जी राम। नेवी और नेवी की माँ जा रही है अभी दूध लेने। नेवी फुर्सत को नहीं मारी। हाँ। आज थोड़ी सी बारिश हुई है और मौसम थोड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा हुआ है। मुझे तो एक चीज का डर लग रहा है बस, कि जब बेबी होगा तो नेवी उसको मारेगा बहुत थप्पड़, क्योंकि नेवी को अभी भी अगर मैं छोटा जो भी टैडी अगर ले लेता हूँ तो नेवी है ना रोने लग जाता है। नेवी नेवी कौन है ये छोटा भाई?